नमस्कार, आप देख रहे जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई बात हर किसी को याद होगी ही कि लोगों को जगाने के लिए महिलाओं को जागृत होना बहुत जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव भी आगे बढ़ता है और साथ ही राष्ट्र विकास भी होता है। लेकिन इससे पहले राक्षसी सोच को खत्म करना बहुत ही जरूरी होता है। आइए आपको एक बात कहने से पहले एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है केकड़ी जिले के कवरावास कस्बे की। यह गांव अपनी अलग पहचान रखता है। कवरावास में रहने वाले शिवराज सिंह राजावत परिवार के बारे में आज हर कोई जानता है। शिवराज सिंह राजावत परिवार में हर तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ है क्योंकि उनकी नाजो से पली बेटी छवि की शादी है। शादी से पहले छवि के सारे लाड चाव लड़कों की भांति किए गए। परिवार वालों ने छवि को घोड़ी पर बैठाकर बैंड बाजे और डीजे के साथ उसकी बिंदोरी निकाली। इसमें सभी परिवार वालों ने नाच गाकर जश्न मनाया। शादी से पूर्व परिवार द्वारा निभाई जा रही रस्मों को देखकर गदागद नजर आ रहे थे पूरे परिवार वाले। दुल्हन छवि की शादी का दिन आ गया। छवि की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से की गई। अब आपने एक रस्म के बारे में सुना जरूर होगा जिसमें लेन देन होता है, अब तो आप समझ ही हो चुके होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दहेज प्रथा की। छवि के पिता ने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी थी कि वह अपनी बेटी को आगे आने वाले समय में किसी भी चीज के लिए तकलीफ ना उठानी पड़े। लेकिन ये क्या, शायद ही ऐसा फिल्मों में ही देखने को मिले। बेटी की शादी में कोई कमी न रह जाए ये सोचते हुए पिता ने तो तैयारी में कोई कमी नहीं रखी और दूल्हे को टीके में 5 लाख रुपए दिए। लेकिन दूल्हे ने इनकार कर दिया। एक बात तो सभी ने यह सोचा कि शायद दूल्हे को और रुपए चाहिए। लेकिन हम सोच को गलत साबित करते हुए आपको बता दें कि दूल्हे के परिवार वालों ने सब चीज वापस कर दी। दूल्हे के परिवार वालों ने छवि के पिता से शगुन के नाम पर बस 1 रुपए और नारियल लेकर एक आदर्श विवाह का संदेश पूरी दुनिया को दिया। बता दें कि जो छत्तीसगढ़ में फौजी की नौकरी करता है और दुल्हन ने वकालत कर रखी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एक सच्ची घटना है। समाज में अच्छा संदेश दोनों की परिवार ने दिया है। इस गांव के हर एक व्यक्ति को यह विवाह भली भांति याद है। इस बदलते हुए समाज में शिक्षा के विकास के कारण अब रूढ़िवादी परंपराओं को लोग अब धीरे धीरे तिलांजलि देने लगे हैं। जहां पहले बेटियों का समाज में बोझ समझा जाता था, वहीं अब शिक्षा और जागृति से जनता की सोच में बदलाव देखने को मिल रहा है। आधुनिक दौर में शिक्षा के प्रचार और प्रसार से समाज में आई जागरूकता से बेटियों को भी बेटों के बराबर सम्मान मिलने लगा है। चाहे शिक्षा की बात हो चाहे सम्मान की, अब लोग बेटियों को बेटों के बराबर सम्मान हक देने लगे हैं। हमें भी इस भेदभाव के रिश्ते को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। आमजन को बेटियों के प्रति जागरूक करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की मुहिम चलाई हुई थी, जिसकी अगर सफलता की बात करें तो सफलता के बाद से ही पहले जहां जिले में 1000 लड़कों पर 730 लड़कियां थी, वहीं इस अभियान के बाद 1000 लड़कों पर 930 लड़कियां हो गई हैं। जिले में अब बेटियों को पूरा मान व सम्मान दिया जा रहा है, जो पूरे देश के सामने अनूठा उदाहरण है। वहीं दूल्हे के परिवार वालों ने भी छवि के पिता से शगुन के नाम पर बस 1 रुपए और नारियल लेकर एक आदर्श विवाह का संदेश पूरी दुनिया को दिया है। इससे आगे भी सभी समाजों में एक अच्छा मैसेज भी आएगा, साथ ही समाज सुधार होगा, दहेज की कुप्रथा भी बंद हो सकेगी। यह अनूठा विवाह हर किसी को याद रहने वाला है। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।